हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि न्यूज अपडेट्स में आपने जाना और जैसे कि सलमान गनी साहब ने भी इससे पहले बताया कि शहबाज शरीफ साहब ने आईजी पंजाब और डीजी फॉरेंसिक लैब को कहा है कि कसूर जाए तब तक वापस ना आए जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होता। बात तो ये तब थी जब वो उसी कचरे के ढेर पर बिठाए जाते जहां से अब तक लाशें उठाते रहे हैं और तब तक वहां बैठे रहते जब तक मुलजिम बरामद नहीं होता। बहरहाल 20 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो कि बहुत सी असलाहत, निसाब में असलाहत की बात की जाएगी। इसके अलावा एम्बर अलर्ट सिस्टम जो कि यूएसए और यूरोप में प्रैक्टिस किया जा रहा है, पंजाब में उसके हवाले से तजावीज मांगी गई हैं। अब सवाल आपके सामने ये कि ज़ैनब के मुल्ज़िमान क्या इसके बाद अपने अंजाम को पहुंच सकेंगे? इस सवाल का जवाब दीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए सलमान गनी साहब। मैंने कल ही इस बात की निशानदेही की थी कि एक रिपोर्ट है जो यूनिसेफ ने पंजाब गवर्नमेंट को दी थी और बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात पर मबनी रिपोर्ट है जो दुनिया के अंदर लागू है, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर 6 माह से वहाँ पर पड़ी है PND डिपार्टमेंट में और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब जहाँ तक उन्होंने कमेटी बना दी है, देखिए आयशा, मेरा कमेटीज़ के मामले में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब कमेटियाँ बन जाती हैं मामलात आगे की तरफ नहीं जाते। अब उन्होंने एक फैसला किया है और जिससे इजलास का भी हवाला दिया जा रहा था कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं जवाब दे, मैं पंजाब के अवाम को जवाब दूँ, पुलिस हुकूमत को जवाब दे। अब बात है कि बात इससे आगे की तरफ जानी चाहिए और ये ज़ैनब हमारी बेटी है और ये ज़ैनब सिर्फ कसूर की ज़ैनब नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं और इस तरह के वाकयात, चूँकि ये मामला कसूर के अंदर हुआ 1 साल के अंदर, 2015 में बच्चों से ज़्यादती के वाकयात हुए, वीडियो स्कैंडल आया, उसमें कोई सजा नहीं मिली। और अगर सजा मिली होती, आप देखें कि 2016 में कम हुए वाकयात और 2017 में फिर 12वीं बच्ची थी ज़ैनब। और मैं समझता हूं ये इम्तिहान और चैलेंज तो चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए बुनियादी जिम्मेदारी उन्हीं की है और वो इस पर पेशरफ्त करें और ये वाकयात का अगर तदारक ना हो सका तो फिर लोगों के अंदर जो गमो गुस्सा है फिर वो बाहर आएगा। अच्छा, इस कमेटी की कारकर्दगी जांचने के लिए फिर एक और कमेटी बना दी जाएगी, मतलब ये तो मामला दबाने के इकदाम है। असल में इकदाम क्या होने चाहिए थे साहब? देखें, बात सुनिए, हमने हिसासियत के पेश नज़र शोबदाबाजी का लफ्ज इस्तेमाल जी वो हज़्फ़ कर लेते हैं कार्रवाई से, शोबदाबाजी वाला बात नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इस मौके पे आप दिखा क्या रहे हैं कि 20 रुकनी कमेटी, मैं जिम्मेवार हूँ? और मॉडल टाउन जब हुआ था वाकया 14 बंदे भुने गए थे, उनमें 2 खवातीन थीं, 70-80 को गोलियाँ लगी थीं और ये जो है बाखबर वजीर आला उनका, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो टीवी देखा था ये है। और फिर का मैंने वो कमीशन बना दिया है और उस कमीशन में ऐसे वो उंगली हिलाते हुए, उसमें मेरा एक भी हुआ तो मैं एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहूँगा। और ये या तो पहली दफ़ा हो ना, ये जो ज़ैनब के बाद जो रद्दअमल है फिर तो बात ठीक है, इनका ये एक जैसे वो एक ड्रामा का स्क्रिप्ट नहीं होता वो निकाल लाते हैं। एक बात इनको वो दाद देनी चाहिए, जो ये गम अपनी आंखों में ले आते हैं और वो आवाज में एक वो हस्कीनेस पैदा हो जाती है, आप कहते हैं हाय, कुछ पहली बार देखो तो कहा है, इससे तो हिसास लोग जो हैं इतनी गहराई से हमने नहीं कभी देखी, तो अजीब ये बात है। 20 मतलब इनको कम से कम थोड़ा सा, अब मैं शोबदाबाजी भी नहीं कर सकते, शर्म के वो लफ्ज में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, कुछ एहसास होना चाहिए कि कम से कम ड्रामा वाली जो बात है, ये 20 रुकनी कमेटी बनाती है, इस्लाहात करेगी, वो दुनिया भर के फ्रांस के कानून पढ़ेगी और वो इंग्लिस्तान से ज्यादा सख्त बन जाएगा और आगे नहीं होंगे। यहाँ पे दिन दिहाड़े जो है हर रोज अखबारात और कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट स्पेशल ब्रांच छोड़ दें, अगर आपको तौफीक अपनी उर्दू अखबारें पढ़ने का हो आपको पता चलेगा कितने वाकयात हैं लाहौर में, कहीं दूर दराज नहीं, लेकिन 20 रुकनी कमेटी बना दी है। दरिया फरात के किनारे एक जानवर प्यासा मरने पर जिम्मेदारी लेने की बात की गई थी, आज के हुक्मरानों पर ये लागू नहीं होती? क्यों बात करते हैं उनकी, शहबाज शरीफ पे फिर अर्फ आएगा, उन्होंने तो पाबंदी लगा ली, मैंने तो खुद पे पाबंदी नहीं लगाई, शोबदाबाज का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। एक ड्रामा है। हजरत उमर एक जगह से गुजर रहे थे, देखिए हुकूमत क्या होती है, और ये सिर्फ यही नहीं है कि वो असहाबे रसूल के दौर में था, बाद में भी दुनिया में बड़ी अच्छी हुकूमतें हैं, उनके तसव्वुरात मुख्तलिफ थे, तर्ज हुकूमत मुख्तलिफ था, वेस्ट में भी बड़े अच्छे अच्छे हुक्मरान आए हैं जो दर्दमंद थे, वो जा रहे थे ऊँट मार रहा है, ऊँट क्यों मार रहा है जी, वो अरब बड़े सख्त दिल हैं, अब भी बड़े सख्त दिल हैं मुसलमान होने के बावजूद भी, ठीक है वो कहा ऊँट वो चारा महंगा था जा रहा है वहाँ पर, उन्होंने कहा ऊँट मर रहा है, अब उसने कहा इसको चारा देने की क्या जरूरत है,
तो उन्होंने कहा यह पॉलिसी बनाई गई कि अगर कहीं कोई जानवर हो जिसका मालिक उसे चारा न दे तो ये जो इलाके के जो लोग हुक्मरान है उसकी जिम्मेदारी, जो भी गवर्नर होगा, जो भी कोतवाल होगा, जो भी वो चंद रुपए का मसला है, लेकिन ये दर्द का एहसास की बात है, दर्द की बात मसला है। वो एहसास नहीं है शहबाज शरीफ साहब में। कुरान मजीद कहता है दिल पत्थर हो जाते हैं बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त, लेकिन पत्थरों में तो ऐसे हैं जिनसे चश्मे फूट जाते हैं। हारून साहब गुस्ताखी मत, सख्त दिल है। हम हुक्मरानों पे हर बार डाल के बड़ी जिम्मा तो नहीं हो सकते ना, हर आम इंसान की बात डाल रहा, मैं वो बात डाल रहा हूँ जो जो उनकी जिम्मेदारी है। इंसाफ फराहम करना हुक्मरान की जिम्मेदारी है, दर्जा बदर्जा सबकी है, अदालतों की भी है, पुलिस अफसरों के। वो ये तासुर दे रहे हैं कि मैं तो बड़ा दर्दमंद हूँ, पुलिस निकम्मी है। भाई पुलिस को दुनिया में कैसे ठीक किया जाता है? कभी बरतानिया की पुलिस भी निकम्मी थी, अमेरिका की भी निकम्मी थी, फ्रांस की भी निकम्मी थी, उसको ठीक किया जाता है। ये इसलाह का एक अमल है। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने बर्बाद किया पुलिस को, मगर इन्होंने इसलाह की कोई कोशिश नहीं की। इससे पहले भी ऐसी तब्दीली नहीं आई जाहिर है। लेकिन प्रोफेसर साहब, अब तक जो तहकीकात हुई है, एक नई फुटेज भी सामने आ गई, हम रोजाना यही बात सुन रहे हैं, पकड़े के करीब पहुंच गए, निशानदेही हो गई, टेस्ट किए जा रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए, दूसरे प्रिंट्स ले लिए गए, फुटेज आ गई। तहकीकात अब तक जो हुई है आपको लगता है सही? कोई नई बात नहीं, देखिए कोई नई बात नहीं, ये बात हमने हर बड़े वाकये के बाद सुनी है कि करीब पहुंच गए, आगे निकल गए, पीछे निकल गए। बात ये है कि जो हमारे हुकाम बाला हैं, चाहे उन्होंने कोई भी सियासी लबादा ओढ़ा हुआ हो, उन्होंने बात को टालना होता है, वक्त को गुजारना होता है, जो इमोशंस हाई पिच पे होते हैं उनको डिफ्यूज करना होता है, तो उसके लिए कमेटियां बनती हैं, उसके लिए ऑर्डर्स इश्यू होते हैं, उसके लिए जाते हैं, और स्टेट का पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शायद वो पैसा कंपनसेट कर देगा। तो इस तरीके से नहीं है, बंदे को ये सोचना चाहिए हाकिम वक्त को, कोई भी हो, कि ये जो मामला है पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी होते रहे हैं, क्या वजह है कि ये रिपीट हो रहे हैं? रिपीट होने का मतलब ये है कि गवर्नेंस में मसाइल हैं, गवर्नेंस में मुश्किलात हैं। जब तक आप उनको एड्रेस करके अदारे नहीं बनाते, आप जो है पुलिस को, ऐसा वाकया हुआ पुलिस की आपने लान तान कर दी, बुरा भला कह दिया उनको, बात यह है कि आप पुलिस के लोगों को इख्तियारात दें, जिम्मेदारी दें, और अगर कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन लें। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर करेंगे, हर चीज चीफ मिनिस्टर करेगा। था कि कोई पुलिस मुकाबले में किसी को पार ना कर दिया जाए, ये जो अगर डिले हो रहा है कि जैनब के कातिल पकड़ा जाना चाहिए और सबके सामने उसका चेहरा लाना चाहिए। बात सुने, जैसे आप सारे कह चुके हैं, ये जैनब तो एक है, उससे पहले 11 जैनब यहाँ पे अभी इन्हीं हफ्तों में, एक दो महीनों में हो चुके हैं। इस बार फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि कसूर के अवाम जो हैं वो उठ खड़े हुए, उन्होंने डीसीओ और डीपीओ के दफ्तर पे अटक, वहां पे जाने की वो कोशिश की, जो लीगी मुंतखब एमएनए और एमपी है उनके डेरे जला दिए गए। तब ये जो है, ये जो खादम आला हैं जिनको है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और ये हूं और फलाना, इन ये तब जागे हैं, ये 4 बजे तब गए हैं। ये 20 रुकनी कमेटी जो है, जो आपकी और हमारी आंखों में धूल डालने के मुतरादिफ है, ये तब बनी है क्योंकि कसूर के अवाम उठ खड़े हुए थे। नई बात ये थी, जो कुछ कर रहे हैं ना उसमें अहमद रंदीम कासमी का शेर मुझे याद आया, शहबाज शरीफ साहब का जो तर्जमला है, जख्म भरता है जमाना मगर इस तरह नदीम सी रहा हो कोई फूलों के गरीबा जैसे। और मिट जाए मखलूक के खुदा तो इंसाफ करोगी, मुनसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते, ये शेर भी इसी पर सादिक आता है। आवाम की राय शामिल कर लेते हैं कि अब 20 रुकनी कमेटी हमने देखा कि बना दी गई है और कहा गया है कि रिफॉर्म्स और कुछ तजावीज सामने लेकर आए, तो इस तरह जैनब के मुलजमान अपने अंजाम को पहुंच सकेंगे। जो एफर्ट्स की जा रही है, 67% आवाम ऐसा नहीं समझते, 33% ये उम्मीद रखे हुए हैं अब भी कायम कि जी हाँ कुछ ना कुछ जरूर होगा इस जिम्न में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बलूचिस्तान की, जहां 4.5 साल में तीसरे वजीर आला 41 वोटों से आज मुंतखब हो गए। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो अब बलोचिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के ये रूहे रवां थे। सवाल आपके सामने ये, क्या समझते हैं आप कि नए कायदे ऐवान का इंतखाब अब इस्तेहकाम का बायस बनेगा? अपनी राय का इजहार कीजिए हारून साहब। इससे इस सियासी बहरान आप समझते हैं कि अब हल हो गया और फायदे में कौन रहा? अभी इसका फैसला करना मुश्किल है। देखिए डिपेंड करता है वो खुद किस तरह बिहेव करते हैं।
और उनके साथी किस तरह बिहेव करते हैं, अपोजिशन किस तरह बिहेव करती है, एस्टेब्लिशमेंट कितना ताबुन करती है, उनके विजडम पे है, एतदाल के साथ चलें, अदल के साथ चलें, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जो है मुलाजमतें तो खैर मेरिट पे होनी चाहिए, किसी के कहने पे नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में सब लोगों के साथ इंसाफ करें, जहाँ ज़्यादा गुरबत ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा महरूमी है, उसके लिए एलोकेशन करें। अब ये उनके बारे में राय अमूमी तौर पर अच्छी है, मैंने कोयटा में जिस भी शख्स से बात की उसने अमूमी तौर पर अच्छी राय दी। बाद मुखालफी ने उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मौका परस्त हैं, इनके वालद भी उस वक्त नून लीग में थे जब नून लीग पावरफुल थी और ये उस वक्त काफ लीग में गए जब काफ लीग इक्तदार में थी, लेकिन अमूमी तौर पर राय अच्छी है कि इनिशिएटिव लेने वाले आदमी हैं, मुश्किल हालात में खड़े रहने वाले